देखिए मेरा मसाला पिसा के तैयार हो गया तुरंत, कितना पतला हो गया देखिए। पूरा अच्छा तरीका से हम इसको मिला लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना पानी लगेगा, नहीं तो जब पूरी तरह से बन के तैयार होगा दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। अभी बना नहीं है, अभी शुरुआती किए हैं बनाने का, तो पूरी अच्छा से बढ़िया से पक जाएगा एकदम, अभी लाल नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो दोस्तों मेरी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों अपने अपने ज़िंदगी में सब खुश होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर में, जब हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग का अभी खाना बना नहीं है दोस्तों, खाना बनेगा। और देखिए अपना किचन सिर्फ गोबर से निपे, मिट्टी नहीं दिए हैं क्योंकि बारिश आ जाता है ना तो ख़राब हो जाता है मिट्टी देने से, तो मतलब अभी ऐसे गोबर से सिर्फ निप दिए हैं, अभी बस गोबर से निपाई हुआ है दोस्तों। अभी आप लोग को दिखाते हैं। और देखिए पीछे साइड हम लोग पर्दा भी लगा दिए दोस्तों, जो कि पहले पर्दा नहीं लगा हुआ था। और दोस्तों अभी हम लोग खाने में बनाएंगे प्याज का पकौड़ा, जो कि दोस्तों अभी आप लोग को दिखाएंगे स्पेशल कि कैसे बनता है और हम लोग कैसे बनाते हैं देहाती तरीका से, दोस्तों भी आप लोग को बना के दिखाएंगे। और दोस्तों भी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे हैं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे बारी और बारी से ले कर आएँगे प्याज का पत्ता। दोस्तों हम लोग फाइनली बारी अपना पहुँच चुके हैं, देखिए मेरी वाइफ पीछे आ रही है लेके, उसमें हम लोग लेके जाएंगे जो हाथ में लेके आ रही है दोस्तों। और दोस्तों देखिए अभी मौसम कैसा है, और देखिए दोस्तों ये रहा प्याज और हम लोग यही लेके जाएंगे। उधर क्या करने जा रही है मेरी वाइफ, प्याज पूछ रही है और साथ में हम भी। देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा बैठा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा बैठा नहीं है और बारिश की वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लो ज़्यादा नहीं लेके जाना है, नहीं इतना इतना वाला नहीं होगा तो सब इसमें नहीं होगा। आ इधर आओ, इधर आओ, इससे हो जाएगा। दोस्तों इतना सारा सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। और हम लोग चलते हैं घर दोस्तों, क्योंकि पूछ लिया, अब यहाँ से हम लोग घर चलते हैं और धनिया पत्ता भी तोड़ लेंगे। दोस्तों हम लोग फाइनली घर पहुँच गए और देखिए साथ में प्याज भी लेके आ गए दोस्तों। और अब चलते हैं दोस्तों हम लोग मसाला तैयार करने, क्या क्या इसमें लगेगा दोस्तों, जो कि आप लोग को दिखाएंगे भी। तो दोस्तों हम पकौड़ी में डालेंगे थोड़ा सा गोलकी और थोड़ा सा लहसुन भी डालेंगे और मिर्च काट के देंगे दो और दो तीन पीस देंगे, हल्का तीखा बनेगा। तो देखिए यही सब मसाला हम अभी पीसेंगे। मसाला बनके तैयार हो गया, देखिए मेरा मसाला पिसा के तैयार हो गया तुरंत, कितना पतला हो गया देखिए। मसाला पीस लिए, अब जाते हैं प्याज लाए हैं, उसको धो के पहले काटेंगे तो फिर दिखाएंगे आप लोग को क्या क्या डालेंगे हम सब। तो दोस्तों फाइनली दिखाया आप लोग को, मसाला पीस लिया हम लोग और देखिए मेरी वाइफ भी काट के फेंक रहे हैं, इसका जड़ है सो प्याज का जो जड़ होता है दोस्तों वो लोग काट के फेंक दिया, अब इसको धोएगी और धोने के बाद फिर कटिंग करेगा दोस्तों, दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे कटिंग करना है। और दोस्तों ये स्पेशल हम लोग जो ये बनाएंगे, पानी उछल दिया कैसे गिरी, अच्छा से डालो ना, अच्छा से डालो ना। देखिए दोस्तों अभी धो रही है और कैसा कटिंग करेगी, देखिए दोस्तों धो ली। और जब भी कोई भी चीज़ धोना होता है तो थोड़ा सा अच्छे से धो लेना चाहिए दोस्तों। और देखिए अब इधर काट रही है मेरी वाइफ, एकदम छोटा छोटा करके काट रही है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं। और देखिएगा दोस्तों अभी बनना तो अभी शुरू हुआ है, जब पूरी तरह से बन के तैयार होगा तो दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे कि कितना मस्त बना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग
प्याज देखिए काट लिए, देखिए दोस्तों प्याज काट लिए एकदम अच्छे तरीके से काटें इसको। अब दोस्तों अब इसमें मिक्स करेंगे क्या क्या, जो कि दोस्तों भी आप लोग को दिखाएंगे, तो चलो मिक्स करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें 100 ग्राम बेसन है और 100 ग्राम से कुछ कम आटा मिला दिए हैं थोड़ा सा इसमें। तो देखिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं सब। और जो हम ये प्याज काटे हैं उसको भी मिला लेते हैं। वाओ प्याज भी सारा हम मिला लिए। अब इसमें हम मसाला मिलाते हैं। तो ये मसाला पीसे थे, आप लोगों को दिखाएं कि क्या क्या पीसे थे। सो तो इसको भी हम मिला लेते हैं। और इधर हल्दी रहा। तो दोस्तों हम हल्दी भी दे दिए, जितना मतलब रहेगा बेसन वगैरह उसी के हिसाब से देना है। तो मसाला भी हम दे दिए और हल्दी भी, और नमक भी हम दे देते हैं। देखिए थोड़ा सा नमक, हम लोग नमक कम खाते हैं इसलिए कम देते हैं, आप लोग ज़्यादा खाते होंगे तो दीजिएगा अपना हिसाब से। तो हम नमक दे दिए। अब इसको हम 2 हरा मिर्च देंगे काट के, ऐसे तो पीस के दिए हुए थे, इसको काट लेते हैं। कटिंग हो गया, अब कटिंग हो गया, अब इसको हम मिलाते हैं अच्छा से। देखिए पूरा अच्छा तरीका से हम इसको मिला लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना पानी लगेगा, नहीं तो प्याज में तो पानी हल्का हल्का निकलता है, तो अगर उसी से हो जाएगा तो फिर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नहीं होगा। देखिए पानी देना पड़ेगा थोड़ा, दो हल्का पानी दो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग देखिए मिक्स कर लिए अच्छे तरीके से, और अभी आप लोग को दिखाएं कि कैसे मिक्स करना है दोस्तों। और हम लोग पूरी तरह से अच्छे तरीके से मिक्स इसको कर लिए हैं दोस्तों, इसमें सारा चीज़ मिला के मिक्स कर लिए हैं इसको। अब हम जाते हैं आग जलाएंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बनाएंगे सब। और ये स्पेशल है दोस्तों प्याज का पकौड़ा है, प्याज का ही है, बेसन तो थोड़ा सा मिलाए हैं लेकिन प्याज सबसे ज़्यादा है। प्याज का पकौड़ा जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में दोस्तों, आप लोग भी बनाइए अपने घर में और खाइए पूरे फैमिली के साथ। अभी दोस्तों दिखाएंगे कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो पहले चलते हैं आग जला लेते हैं चूल्हा में। तो दोस्तों देखिए फाइनली मेरी वाइफ चूल्हा जला ली है, और दोस्तों अब देखिए कढ़ाई भी चढ़ाएगी जिसमें से तेल पहले से रखा हुआ है। और दोस्तों तेल गर्म होगा, और दोस्तों अभी आप लोग को दिखाएं भी कि हम लोग का फाइनली मिक्स करके रखे हुए हैं सारा आइटम इसमें। और दोस्तों अभी देखिए तेल गर्म होगा, इसके बाद हम लोग छानने के लिए स्टार्ट करेंगे। अभी तेल गर्म हुआ नहीं, अभी जस्ट चढ़ाए हैं दोस्तों। और दोस्तों भी देखिए तेल गर्म हुआ नहीं हुआ है, थोड़ा आँच लगाऊँ, आँच लगाऊँ थोड़ा ज़्यादा। दोस्तों फाइनल तेल गर्म हो चुका है, और देखिए मेरी वाइफ अब डाली के पे आप लोग को दिखा दो दोस्तों। देखिए देखो तो तेल गर्म हुआ, डाल के देखना। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है पूरी तरह से, और अभी देखिए डाल रही है मेरी वाइफ। और हम लोग बना रहे हैं दोस्तों आज प्याज का पकौड़ा, प्याज का पत्ता का पकौड़ा, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग अपने तरीके से बना रहे हैं देहाती स्टाइल में दोस्तों, देखिए कैसे बन रहा है। और जब पूरी तरह से बन के तैयार होगा दोस्तों तो आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे बना। अभी बनाना स्टार्ट किए हैं दोस्तों, बहुत सारा है बनाना, तो फिलहाल अभी देखिए फर्स्ट टाइम अभी डाल रही है, और फर्स्ट बार भी निकालेगी उतना ही और देगी। बैक कैमरा से भी आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों, देखिए कैसे बन रहा है, मस्त लग रहा है ना। देखिए दोस्तों कैसे बन रहा है, पक गया पूरी तरह से, जब लाल हो जाएगा दोस्तों तो पूरी अच्छा से बढ़िया से पक जाएगा एकदम, अभी लाल नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों पूरी तरह से बन के तैयार हो गया, और देखिए कैसा लग रहा है, अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब इसको निकाल के रखेंगे। तो फाइनली सारा बन के तैयार हो चुका है हम लोग का, और अभी दिखाते हैं आप लोग को दोस्तों कि कैसे। देखिए सारा बना लिए दोस्तों, इतना सारा है, और ये स्पेशल प्याज का पत्ता का पकौड़ा है दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं हम इस तरह से, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में दोस्तों। देखिए
जब से बन रहा तब से खा ही रहे दोस्तों, और अच्छा लगा दोस्तों खाने में भी। और आप लोग भी बनाइए अपने घर में, खाइए पूरे फैमिली के साथ दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग चले खाने के लिए। दोपहर में हम लोग का खाना बना था दोस्तों, दाल और भात, और साथ में हम लोग पकौड़ा भी बनाया प्याज का दोस्तों, जो कि अब हम लोग साथ में इसके साथ खाएंगे। और तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक है, तो इस चैनल पे जो नए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय जवाहर।